जिगरा तो खोज के लिए आओगे, लेकिन मेरे जैसा वह क्या बोल रहा हूँ भूल गया याद कर लो। अक्सर प्यार रहा है मुझे आजादी से, पर मैं खुद को इन वादियों में कैद करना चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद आपका हमारे साथ एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, और अभी हम छोटे से व्लॉग के साथ एक छोटी सी सैर करने के लिए निकल चुके हैं यहाँ से, और आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ हम रहते हैं, और अभी फिलहाल वहाँ से हम निकल चुके हैं। चलो चलते हैं, चले डॉक्टर साहब, चलो चलते हैं भाई। वो वर्जन दूसरा है, बस नहीं बस रहा है अंदर हम लोग। हां यार है यार, नीचे के लिए कहां उस सर का ना देर जिस पे दिख रहा है। सर जी सूरज की तरफ निकल लिए आप, छिपते सूरज की तरफ आओ, घुमाते हैं आपको मेवात की वादियों में। खासियत है, खासियत है ना। हाँ। तो दूर पहाड़ी दिख रही, वहां चलेंगे। हिन को हो जाना, हिन को जाऊं। रास्ता बंद तो नहीं हो गया आगे? रास्ता बंद कैसे हुआ यार, कमाल कर रहे, इतनी बाइक नहीं आ जाओ, हर दो मिनट में एक बाइक आ रही। ढिगाई जा रहे हो हैं? इसको पत्ते को नहीं दे। हाँ यार, पता नहीं यार क्या डॉक्टर साहब ने पूरी नॉलेज है भाई। कौन सा है ये वो देखो, वो क्या है वो तो बहुत ऊंची पहाड़ी है। एक तरफ पहाड़ हमारे डॉक्टर साहब, और एक तरफ बालू की टीले। ये पहाड़ है और यहाँ पे पहाड़ी हो रही है। ज्यादा कीकरन का पेड़ है, कीकरन का। हाँ, कीकरन का गुरुजी, कीकरन का। हाँ। जैसी आपकी टी शर्ट में स्टिकर है, ऐसे यहाँ पे अजब अजब स्टिकर बने हुए हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, टी शर्ट तो मेरी ऐसी है। हाँ। ऐसे ही डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कीकरन में, बालुआन में, पहाड़ी में देख सकते हो कितना खूबसूरत नजारा, ज्योग्राफी का बड़ा जबरदस्त। मेवात के दो रूट है, एक जो आप यहाँ देख रहे हैं, और एक जब हम यहाँ से आबादी की तरफ अग्रसर होंगे तब आप दूसरा रूट देखेंगे। ये प्यार भरा रूप है। वैसे आप कह सकते हो मेवात बहुत नीचा है, लेकिन हम मेवात में बहुत ऊंचाई पे हैं। ऊंचाई पे हैं, गाड़ी आ गई। छिपते हुए सूरज के बीच में और इन पहाड़ी आबादियों के बीच में एक बड़ा ही शानदार दृश्य जो आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब पोज देने के लिए रेडी है ताकि फोटो से फोटो खींची जा सके, पर इनको आंखों से देखना एक अलग ही एहसास है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर भी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, बड़ी ही खूबसूरत पर्वत श्रृंखला का नाम इसको दे सकते हैं, जो राजस्थान यूपी का जो बॉर्डर बनाती है पूरी की पूरी। ये पहले बहुत लंबी लंबी ऊँची ऊँची हुआ करती थी, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे खनन होता जा रहा है तो इसकी जो ऊंचाई है और जो पहाड़ियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। पहाड़ी कीकरन के बीच में से डॉक्टर साहब, ये पहाड़ी कीकर बची हुई हैं जो कि कुछ एक इलाका है बस अपना अपना। ये देखो, ये अपने अरावली श्रृंखला के अंदर ही थोड़ी बहुत जो डाइवर्सिटी बची हुई है
बस बची हुई है, बस वो कुछ एक समय के लिए। इलीगल माइनिंग होती है डॉक्टर साहब? हाँ, ये देखिए आप, ये सारी इलीगल माइनिंग है। ये पूरी एक जॉइंट पहाड़ी थी जिसको काट कर छोटा कर दिया गया है। अब तो वैसे बंद कर दी होगी, खत्म होने के कगार पे आ जाएगी माइनिंग, बंद कर दी अब तो? नहीं, अभी चल रही है। चल रही है, निशान देखोगे ना तो आपको। ये भी अपराध है, एक जुर्म है, जुर्म माइनिंग कर करके जो पहाड़ियाँ वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्या क्या ढूंढ रहे हो आप? सांप ढूंढ रहे हो क्या? हैं? आप क्या देख रहे हो? नीचे जाने का रास्ता, माइनिंग हो जाएगी ये। पागल हो गए मल्ला का जय सर, पत्थर उठा उठा के इन पहाड़ियों के मार रहे हैं भाई। हैं? चलो चलो जाओ जाओ और ऊपर जाओ, और ऊपर से छलांग लगा देना नीचे, ऊपर जाके छलांग लगा देना। सबसे ऊंची पहाड़ी पे चढ़ गए रविंदर सर, खतरों से खेलने का पहले साफ करेंगे एरिया फिर हम जाएंगे। खतरा तो नहीं है कोई। क्या बात है पहाड़ियों में। रविंदर सर के पास बिल्कुल आराम आराम से हम भी जा रहे हैं। ये पहाड़ियाँ इतनी ऊंची हैं, सांस हो चढ़ गया। हाँ जी हाँ जी, पहुँच गए। इलीगल माइनिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ट्रॉली अभी भी यहाँ से भर के गई है। लगातार खनन चल रहा है इस पहाड़ी का। वाव डॉक्टर साहब, नीचे मत जाना, बहुत खतरनाक जगह है नीचे। हाँ मेरे मन को भाया, मैंने भाया। फिर आ गए। क्या हो गया, क्या करने आए हैं? ये फिर अपने बेटे को साथ क्यों लाया? ये टींड लेने आए हैं ताकि अचार बना सके पहाड़ी पर। टींड की खोज में आए हैं। जिगरा तो लड़ने का ले आओ, लेकिन टींड की खोज में यहाँ मिले पिंड ही पिंड। जिगरा तो खोज के लिए आओगे, लेकिन मेरे जैसा वह क्या बोल रहा हूँ, भूल गया, याद कर लो। तो लेकर आ जाओगे, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? देखे गरम पानी से किसी के घर नहीं जल जाया करते। क्या बात है, पर्वत हिलाने का जोर अजमाइश। रोकेगा आपको पत्थर हिला के, मानोगे गुरु जी? चलिए, पोज आपका मेरे को पसंद आ गया, चलो। पहली एक्सरसाइज हो चुकी है और पूरे अच्छी तरीके से थक चुके हैं, नींद भी गजब आएगी आज। पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी और उसके ऊपर हमारे डॉक्टर साहब। बहुत हुआ आज का, चलो चलते हैं, क्योंकि जो सूरज है वो ढल चुका है। तो आज का यहीं तक, चलो चलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ साथियों, आ जाओ जल्दी से, घर भी जाना है। हाँ जी डॉक्टर साहब, चलो चलते हैं। चलो। अक्सर प्यार रहा है मुझे आज़ादी से, अक्सर प्यार रहा है मुझे आज़ादी से, पर मैं खुद को इन वादियों में कैद करना चाहता हूँ। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं अंदाज के साथ करते हैं आज के व्लॉग का समापन। तो मिलते हैं आपके साथ जल्दी ही ब्रेक के बाद, देखते रहिए द डॉक्टर साहब व्लॉग।